सक्सेस, प्रोफेशनल सक्सेस या फिर पर्सनल सक्सेस। तो जब हम सक्सेस कहते हैं, आज हमारे ग्रुप में सारे ही लोग ऐसे मुकाम पर हैं जहां हमने काफी कुछ, प्रोफेशन हो या फैमिली हो या पर्सनल लाइफ में हो, हमें काफी कुछ अभी खुद के ही एक्सपीरियंसेस ऐसे आए हैं जहां हमें पता है कि व्हाट वर्क्स इन लाइफ एंड व्हाट डजंट वर्क इन लाइफ। एंड दिस इज द रीजन कि हम नीलेश सुराना से इतने अच्छे से फेविकॉल की तरह जुड़े हुए हैं। तो व्हेन आई थॉट कि सक्सेस का कोई एक फॉर्मूला होता है क्या, देन आई अंडरस्टूड कि सक्सेस जो है ना, ये एक्चुअली अपना पर्सनल पर्सपेक्टिव है। मुझे, मेरे लिए सक्सेस क्या है? हो सकता है किसी के लिए 1 करोड़ पर मंथ कमाना सक्सेस हो, लेकिन मेरे लिए वो नहीं है। मेरे लिए तो ये जरूरी है कि रोज रोज एक वर्क अगर किसी पेशेंट का मुझे देना है, अच्छे से अच्छे दे पाऊँ। अगर मेरा बच्चा मेरे साथ बैठा है तो उसको मैं ट्रांसफॉर्म करने के लिए उसके लाइफ में मैं क्या कॉन्ट्रीब्यूट कर सकती हूँ, या फिर अगर मैं कोई प्रोजेक्ट लेती हूँ तो मेरे हिसाब से मैं बेस्ट पॉसिबल कैसे दे पाऊँ। लेकिन इसके लिए 10 पॉइंट्स है जो, जिस पर अगर हम बहुत ही इजीली काम कर सकते हैं, एंड आई एम श्योर कि हम सब ने इसको अनुभव भी किया है। बस मेरा, मैं एक मीडियम हूँ कि आप तक आपके अंदर के 10 पॉइंट्स पहुंचा रही हूँ। तो पहला है उसमें माइंडसेट। अब हमने बहुत बार पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में सुना है, पॉजिटिव थिंकिंग करना चाहिए, ये करना चाहिए, लेकिन पॉजिटिव थिंकिंग इटसेल्फ डज नॉट हैव अ लॉट ऑफ वेटेज। अगर आप सुनो तो आपको दिखेगा कि हर कोई व्यक्ति, हमारे पेरेंट्स से लेकर हमारे फ्रेंड्स तक, हमारे कोचेस तक, सब लोग पॉजिटिव थिंकिंग बोलते हैं, लेकिन जब वो समय आता है उस पर एक्ट करने का तो बहुत बार वी कांट डू इट। तो ये माइंड, जब कोई भी एक्शन हम लेते हैं तो माइंडसेट को कैसे चेक करें? जो भी हम एक्शन करते हैं, जो भी एक्शन, इस एक्शन की वजह से आज से 5 साल के बाद विल आई बी अ बेटर पर्सन, विल आई बी अ बेटर ह्यूमन बींग, ये क्वेश्चन अगर हम हमेशा खुद से पूछते हैं ना, तो बहुत सारी अननेसेसरी एक्टिविटीज हमारे लाइफ से बाहर हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम ब्राउजिंग ऑन फेसबुक अननेसेसरी, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे बोर हो रहा है, या फिर कोई सोशल मीडिया जहाँ पे मैं कुछ भी कॉन्ट्रीब्यूट भी नहीं कर रही हूँ, या फिर आई एम नॉट गिविंग और आई एम नॉट टेकिंग एनीथिंग यूजफुल, इमिडिएटली आई आस्क माई सेल्फ, इज दिस गोइंग टू ट्रांसफॉर्म मी? नो, देन गेट आउट ऑफ इट। देर आर सो मेनी एक्टिविटीज विच वी इन्वॉल्व इन जो बहुत ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट हमारे लाइफ में नहीं करती है। और फिर जब हम कहते हैं कि आई एम वेरी बिजी, आई एम वेरी बिजी, एवरी पर्सन हैज अ लॉट ऑफ टाइम अपार्ट फ्रॉम उनका प्रोफेशन, अपार्ट फ्रॉम फैमिली। बस हम उस टाइम को बोरियत के कारपेट के नीचे बहुत ही अलग अलग तरीके से स्पेंड, या फिर आप वेस्ट कर सकते हैं, बोल सकते हैं। ऐसा कहते हैं कि टाइम, वो टाइम यूटिलाइज्ड होता है जो वेस्ट करने में भी आप एंजॉय कर रहे हैं। तो आपको सोशल मीडिया, आप इज नॉट द एंजॉयमेंट, सोशल मीडिया इज समथिंग विच वी आर सेल्स गिव टाइम टू विदाउट टेकिंग एनीथिंग फ्रॉम इट। तो टाइम इज द मोस्ट प्रेशियस थिंग। An inch of time is equal to an inch of gold, but we cannot buy an inch of time by an inch of gold. और इसीलिए माइंडसेट अगर आपका पॉजिटिव और करेक्ट है तो आप समय का उपयोग कर सकते हैं, और जब आप समय का उपयोग करते हैं तो पॉजिटिव थिंकिंग करनी चाहिए, इस पर काम करने की जरूरत ही नहीं है। इफ आई नो कि मेरे रिलेशनशिप में मेरे इस एटीट्यूड से 5 साल के बाद बॉन्डिंग और ज्यादा स्ट्रांग होगी, तो मेरे निगेटिव रिएक्शंस होंगे ही नहीं। सेकेंड पॉइंट है कंपनी। कहते हैं जैसा संग वैसा रंग। इसका तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हमारा ऑसम 20 ग्रुप। हम नीलेश सुराना की तरह इतने ज्यादा सक्सेसफुल, इतने ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूटिंग और सेल्फलेस अभी तक तो नहीं बने हैं, बट वी आर इन द प्रोसेस। How he has inspired us to give without expectation of getting anything. और यही मुझे real joy का मतलब पता चला। So when you are associated with people, जो लोगों के साथ आप जब associate होते हैं, जिनके साथ आपका purpose कहीं ना कहीं match होता है, तब आपके life के goals achieve करना आपके लिए थोड़ा आसान हो जाता है। क्योंकि जहां भी आप अटक जाते हैं और आपको दिखता है कि आपके सहकर्मी, आपके सहचारी उस चीज पर मात करने के लिए इस प्रकार से चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें भी एक आशा की किरण मिलती है।
कि क्यों अगर वो कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं, और फिर धीरे धीरे हमें हमारे सवालों के जवाब मिलने लगते हैं। तो कंपनी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर हमारे साथ ऐसे लोग हैं जो ज्यादा ड्रीवन नहीं है, तो फिर जो ज्यादा ड्रीवन नहीं है या फिर बहुत ज्यादा उनके काम के लिए पैशनेट डिटरमिन्ड नहीं है या फिर उनकी थिंकिंग बार बार नेगेटिविटी में चली जाती है, हम बहुत बार खुद को पक्का रख सकते हैं, लेकिन एक ना दो इंसिडेंट्स ऐसे आएंगे जब वी मे स्टार्ट बिहेविंग लाइक देम। सो ऐसे लोगों को हम अवॉइड तो नहीं कर सकते हैं, बट यू मस्ट ऑलवेज हैव एटलीस्ट वन पर्सन इन योर लाइफ जिनके साथ आपका गोल या पर्पज ऑफ लाइफ थोड़ा बहुत मैच करें, ताकि आपको अंदर से सपोर्टेड लगे। और ये पॉइंट इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज ह्यूमन बीइंग इज अ सोशल एनिमल, वी कैन नॉट ग्रो अलोन। और इसीलिए अगर आपको आपको अगर इमोशनल सक्सेस चाहिए, तो आप ये नहीं कह सकते हैं किसी गुफा में जाकर मैं मेडिटेट कर लूं तो मैं पूरा एंगर इरिटेशन और ये सारे जो दुर्गुण है इनसे दूर हो जाऊं। आपके टेस्ट तो तब होती है जब आप 10 लोगों में आते हैं, फैमिली में आते हैं, सोसाइटी में आते हैं, और वहां आपका एंगर टेस्ट होता है। इसलिए कंपनी इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू गो अहेड इन लाइफ। नंबर 3 है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी इज वन पावर जहां आपको एक ऐसा ड्राइव मिलता है कि एक काम आप रोज 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 एक ही समय पर एक ही पैशन से एक ही इंटेंसिटी से कंटिन्यूअसली करते हैं, और ये आपको तब ऐसा लगता है कि इसके क्या बेनिफिट मिल रहे हैं। आप अगर देखेंगे कंसिस्टेंसी का इम्पोर्टेंस, इसका जवाब आपको नेचर देता है। सृष्टि कहती है कि मैं कुछ भी स्टोर नहीं कर सकती, तो आप कभी देखेंगे कि आपने अगर आज दाल चावल बनाया तो क्या आप आज 1 साल के बाद उसे खा सकते हैं? नहीं। आप अनाज भी 10 साल का नहीं ले सकते। तो सृष्टि कहती है कि आई कांट स्टोर एनीथिंग एंड सो यू ऑल्सो कैनॉट स्टोर एनीथिंग। इसलिए हमें एक्सरसाइज रोज करनी होती है। हम अगर आज एक्सरसाइज कर लेते हैं, हम ये नहीं कह सकते कि अब मैंने 7 दिन का फिटनेस ले लिया। अगर आज खाना खा लिया तो हम ये नहीं कह सकते कि अभी 5 दिन तक मुझे खाना खाने की जरूरत नहीं। कंसिस्टेंसी इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर हमें रोज भूख लगती है और रोज खाना खाना है, तो नेचर वॉन्ट्स अस टू बी कंसिस्टेंट इन एवरीथिंग वी डू। इसका मतलब सक्सेस का मंत्र भी नेचर में ही छुपा हुआ है। एवरीथिंग टेक्स टाइम। अगर कोई बच्चा, जब कोई मदर प्रेग्नेंट होती है तो शी टेक्स 9 months टू डिलीवर द बेबी। इसमें कोई निगोशिएशन नहीं हो सकता, 5 मंथ में हो जाएगा क्या, 4 मंथ्स में हो जाएगा, नहीं। इट टेक्स 5 months, इट टेक्स 9 months फॉर द बेबी टू डेवलप एंड कम इन द वर्ल्ड। उसी प्रकार आपका जो भी सक्सेस है उसका भी एक समय होता है, एंड नेचर चेक करता है कि आप कितने कंसिस्टेंट है। तो हर वक्त कंटिन्यूसली, चाहे वो एक्सरसाइज हो, फिटनेस हो, आपका कोई भी प्रोफेशनल सक्सेस हो या आपकी पर्सनल रिलेशनशिप हो, आज आप अगर 1 घंटा आपके फैमिली को देते हैं तो आज के आज हो सकता है आपको बहुत ज्यादा उसका रिजल्ट ना मिले, लेकिन आप अगर कंटिन्यूसली रोज अनडिवाइडेड अटेंशन टू योर फैमिली मेंबर्स देते हैं, तो आपको पता नहीं है कि आज से 1 या 2 साल के बाद व्हाट रिस्पेक्ट एंड व्हाट टाइप ऑफ एक्सेप्टेंस दे विल हैव अबाउट यू इन देयर माइंड्स। 4th पॉइंट है गोल सेटिंग। गोल सेटिंग, आज अगर 5 साल के बाद अगर मुझे एक पर्टिकुलर गोल अचीव करना है, तो आई कैन नॉट जस्ट सिट आइडल और मैं सोचूं वाव अब तो मुझे पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड पता है, अब तो मुझे विजुअलाइजेशन पता है, चलो अब तो ये मेरा ड्रीम तो कंप्लीट होने ही वाला है। कितना भी मेरा आप सेल्फ बिलीफ स्ट्रांग कर दो, एक्सटर्नल मोटिवेशन दे दो, या मुझे इंटरनली मोटिवेट फील हो, मेरा गोल अचीव मैं तभी कर पाऊंगी जब आई ब्रेक दैट गोल इंटू मेनी स्मॉल गोल्स, और सो दैट आई कम टू नो व्हाट इज माय टुडेज गोल। मेरा आज अगर 5 साल के बाद मुझे कुछ अचीव करना है, तो उसके लिए मेरा आज का लाइन ऑफ एक्शन क्या है, मेरा आज का गोल क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर एक छोटा बच्चा है, वो कहता है कि आज से 5 साल के बाद मुझे डॉक्टर बनना है, वो 11th में है, तो फिर उसे ये देखना पड़ेगा कि उसके लिए उसका आज अगर 12th है और 12th का अगर एग्जाम है 1 महीने के बाद, हाफ सेमेस्टर है, तो आज हाफ सेमेस्टर 1 महीने के बाद है, तो ये 30 दिन में मैं एक टाइम टेबल बना सकता हूँ। 30 दिन में अगर 5 सब्जेक्ट है, 6 दिन एक सब्जेक्ट के लिए, अगर 6 दिन एक सब्जेक्ट के लिए है और टाइम टेबल में पहला पेपर बायो का है, बायोलॉजी का, तो मेरे टाइम टेबल में पढ़ाई का सब्जेक्ट लास्ट में आएगा। इसका मतलब आज अगर मुझे मैथमेटिक्स करना है और 5 दिन है, टोटल कितने चैप्टर्स है, अच्छा 10 चैप्टर है, इसका मतलब 1 दिन में मुझे 2 चैप्टर्स करना है। आई हैव वर्क लाइक दिस
ऑल माय लाइफ फ्रॉम स्टूडेंट लाइफ, और ये जो स्टेप किसी भी चीज का, चाहे वो आपका प्रोफेशनल वर्क हो या आपका पढ़ाई का वर्क हो, जो इस प्रकार से गोल्स छोटे छोटे काट कर उस पर काम करते हैं ना, सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज होती है, आपके लाइफ से स्ट्रेस गायब हो जाता है। अरे वो मुझे करना था, वो तो रह ही गया, ये होता ही नहीं, क्योंकि आपको पता है वो गोल अचीव करने के लिए आज जो एक्शन लेना है उसका जो शॉर्ट स्मॉल गोल है वो है आज का दिन इतना मुझे परफॉर्म करना है। वंस यू डू डू इट एट द एंड ऑफ द डे आपको एक फीलिंग ऑफ सेटिस्फेक्शन आता है कि आई हैव वर्क टूवर्ड्स माई गोल। इंच बाय इंच जब आगे जाते हैं तो आपको पता ही नहीं कि आप कितने माइल्स कवर कर सकते हैं इन जस्ट वन ईयर और टू ईयर्स। फिफ्थ है राइटिंग, वट एवर यू वॉन्ट टू अचीव जस्ट राइट डाउन। जब हम लिखते हैं, लिखने में एक बहुत बड़ी पावर है, चाहे आपको कुछ स्टूडेंट से उनको कोई सब्जेक्ट को याद करना है, जब वो बोलते हैं मुझे समझा ही नहीं क्या करूं, वेरी सिंपल फॉर्मूला राइटिंग। आज भी अगर आप सुबह उठकर आपको जो भी आज करना है, आज अगर आपको कुछ करना है और उसके लिए आप अगर लिख रहे हैं तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज है कि वो काम आपका पूरा होगा, और अगर आज किसी कारणवश नहीं होता है तो कल तो जरूर होगा। लेकिन जब आप लिखते नहीं है और आप सोचते हैं कि मेरी मेमोरी बहुत पावरफुल है, आई विल डेफिनेटली डू इट। लाइफ मे थ्रो एनीथिंग एट यू एट एनी टाइम, और कभी कभी हमारी जो आजू बाजू की परिस्थितियां हैं हमारे हिसाब से नहीं चलती, लेकिन जब हम लिखते हैं वी कमिट टू आवरसेल्व्स। जब हम लिखते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है अपने पूरे 5 senses लगाकर उस पर काम कर रहा है। अब जब भी वो सिचुएशन आएगी जहां वो काम करने के लिए अपॉर्चुनिटी है तो सबकॉन्शियस माइंड आपके कॉन्शियस माइंड को ऑर्डर देगा टू वर्क ऑन इट, एंड दैट्स व्हाई राइटिंग इज वेरी पावरफुल। सिक्स्थ है विजुअलाइजेशन। जो भी आपको लाइफ में अचीव करना है, रिलेशनशिप गोल हो या फिर कोई वेकेशन हो या फिर कोई आपका प्रोफेशनल गोल हो, जस्ट विजुअलाइज कि वो गोल अचीव करने के बाद लाइफ की मूवी पे कैसे दिखता है। अगर मेरी रिलेशनशिप बेस्ट पॉसिबल हो जाती है, हाउ डू आई सी माई सेल्फ विद दैट पर्सन। मैं अगर प्रोफेशन में सक्सेसफुल होना चाहती हूँ तो मैं अपने वर्क प्लेस पे किस तरह से बिहेव कर रही हूँ, या फिर इफ आई वॉन्ट टू कॉन्ट्रीब्यूट इमेंसली तो आफ्टर आई अचीव माई गोल हाउ डू आई फील अबाउट इट। जब आप ये विजुअलाइज करते हैं ना तो इट इज लाइक इट पुल्स यू टूवर्ड्स योर गोल, क्योंकि वो जो फीलिंग है वो आपको चाहिए, वो सेटिस्फेक्शन की फीलिंग, वो सक्सेस की फीलिंग, एवरीवन वांट्स दैट। तो जब वो फीलिंग को आप रोज रात को सोते वक्त अनुभव करते हैं तो आप सबकॉन्शियस माइंड को ऑर्डर दे रहे हैं कि आई वॉन्ट दिस, लेट्स वर्क टूगेदर। और फिर आपके जो इनर पावर्स है वो सारे किस तरह से काम करते हैं आपका गोल अचीव करने के लिए, ये आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि वो फीलिंग इतनी ब्यूटीफुल है कि उसके लिए काम करते वक्त आपको लगेगा ही नहीं कि आप यू आर वर्किंग हार्ड टूवर्ड्स इट, इट कम्स इजी। उसके बाद है 7th, आत्मविश्वास या नो दैट यू कैन डू इट। कितने लोग हैं इस दुनिया में जो आपने गोल अचीव किया है उन्होंने वो गोल अचीव कर चुके हैं। अगर आप सोचेंगे तो आपको दिखेगा हजारों में नहीं, लाखों में और करोड़ों में ऐसी संख्या हो सकती है। इसका मतलब इसी धरती पर अगर इतने लोग ऐसे हैं जिन्होंने वो गोल या वो सपना प्राप्त किया है जो आप करना चाहते हैं, अगर वो कर सकते हैं तो आप तो बिल्कुल कर सकते हैं, और सारी पावर्स हमारे अंदर है, बस उन्हें ओपन अप करने की और उन्हें यूज करने की बस एक कोशिश की जरूरत है। 8th है एक्सीलेंस। हर काम जो भी मैं आज कर रही हूँ, जो भी आज मैं कर रही हूँ, क्या मैं इससे थोड़ा और ज्यादा अच्छा कर सकती हूँ? अगर मुझे बर्तन साफ करना है, कल मैंने जितना अच्छे से साफ किया, क्या मैं इसको और थोड़ा अच्छे से साफ कर सकती हूँ? आई एम सो थैंकफुल आई हैव अ फैमिली, इसलिए मुझे बर्तन साफ करने का मौका मिल रहा है। अगर मुझे घर साफ करना है थोड़ा और अच्छे से कर सकती हूँ, थोड़ा सा उसके लिए 1 मिनट ही ज्यादा लगे। अगर आज मुझे कुछ लिखना है, अगर मैं राइटर हूँ कुछ लिखना है, मैं डांसर हूँ मुझे डांस करना है, मैं म्यूजिशियन हूँ मुझे कोई म्यूजिक बनाना है, या फिर मैं एक डॉक्टर हूँ जिसे मुझे पेशेंट को एक वर्क डिलीवर करना है, डजेंट मैटर कि मैं कितने साल से काम कर, लेकिन क्या कल के परफॉर्मेंस से थोड़ा सा 1 इंच मैं ज्यादा अच्छा कर सकती हूँ? अगर ये क्वेश्चन हम खुद से पूछते हैं तो हर वक्त आपको दिखेगा हर काम में इतना ज्यादा न्यूनेस क्रिएट होता है। एंड आई टेल यू आई हैव ट्राइड दिस ऑन एवरीथिंग आई डू, और उसमें और ज्यादा मजा आने लगता है क्योंकि हमें उसकी बारीकियां पता चलती है। अच्छा, इसको और ज्यादा अच्छा करने के लिए आई शुड होल्ड दिस इंस्ट्रूमेंट लाइक दिस, या फिर इसको और ज्यादा अच्छा करने के लिए मुझे ये करना है इस प्रकार से, तो आप और ज्यादा सीखते हैं और आपको लगेगा ये तो मैं 10 साल से 20 साल से कर रही हूँ। नहीं,
लाइफ हैज सो मेनी थिंग्स टू टीच यू. अगर आप एक्सीलेंट वे में करना चाह करते रहते हैं तो आपको दिखेगा कि यू आर अ स्टूडेंट ऑल लाइफ. और जो व्यक्ति सोचता है कि वो स्टूडेंट है वो हमेशा सीखते रहता है, एंड यूनिवर्स विल ब्रिंग मेनी मोर वंडरफुल ट्रिक्स कि जिससे आपका काम और बेहतर कर सके. नाइन्थ पॉइंट है सेल्फ डिसिप्लिन. अब हम देखेंगे सेल्फ डिसिप्लिन मतलब स्वचलित होना, स्वशिस्त हो, स्वशिस्त मराठीत म्हणतात. तो स्वचलित होना मतलब क्या कि अगर मुझे सुबह उठना है, मुझे 4 बजे उठना है, आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन माई पेरेंट्स और माई हस्बैंड और माई चिल्ड्रन कि वो मुझे जगा दे. अगर कोई काम मुझे करना है, अगर कुछ भी, अगर मुझे स्टाफ मैनेजमेंट करना है, आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन माई बिजनेस पार्टनर कि वो इनिशिएटिव ले तभी मैं ये मीटिंग लूँ, या फिर आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन माई बॉस और एनी वन एल्स कि मेरे लाइफ में कोई हैप्पीनेस क्रिएट हो. जिसे हमें नीलेश ने सिखाया है कि क्रिएट योर ओन हैप्पीनेस, क्या है वो, इट इज सेल्फ डिपेंडेंस, इट इज बीइंग इमोशनली डिपेंडेंट ऑन योर सेल्फ ओनली. इमोशनली इंडिपेंडेंट बनाता है ये. तो जब डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन की बात करते हैं तो इसमें एवरी एक्टिविटी जो है ना उसमें कितना आपको जॉय मिलता है. जब आपको जॉय मिलने लगता है तब आप अपने आप सेल्फ डिसिप्लिन में आते हैं. ऑसम 20 से हमें इतना जॉय और सेटिस्फेक्शन मिलता है, इसीलिए हम पूरे डिसिप्लिन से आकर रोज यहाँ बैठते हैं और 520 को लॉग इन करते हैं. लेकिन सेल्फ डिसिप्लिन इज एब्सोल्युटली एसोसिएटेड विद विल पावर. तो 10th पॉइंट है विल पावर. सेल्फ डिसिप्लिन एंड विल पावर आर सिस्टर्स टू ईच अदर. क्योंकि जब इच्छा शक्ति आपकी मजबूत होती है ना तो खुद को डिसिप्लिन करना इतना मुश्किल काम नहीं होता है, बहुत ही आसान. तो विल पावर, अगर आप मुझे पूछेंगे ये विल पावर इच्छा शक्ति के बारे में आप बात तो बहुत कर रहे हैं लेकिन रियल लाइफ में तो इसको इम्प्लीमेंट करना मुश्किल है. हर चीज के लिए अपनी इच्छा इतनी स्ट्रांग कैसे रखना है. तो मेरा एक मंत्र है, आई फिनिश व्हाट आई स्टार्ट. जब आई थिंक दैट आई फिनिश व्हाट आई स्टार्ट तो क्या होता है, जो भी काम आप स्टार्ट करें, अगर कल की बात है एक पेशेंट का वर्क लैब से आया, मैंने मेरे स्टाफ को बोला तो वो मुझे वर्क देकर चली गई. आई फर्स्ट इंस्पेक्ट द वर्क और उसके बाद मैं पेशेंट को अपॉइंटमेंट देती हूँ ताकि इसमें कोई रिपीट तो नहीं. शी जस्ट वेंट अवे, मैं अपने पेशेंट में बिजी हो गई. 2-3 घंटे के बाद याद आया, अरे इसको तो अपॉइंटमेंट देना था. देन आई टोल्ड हर कि जो भी काम स्टार्ट करते हो ना, चाहे वो कम्युनिकेशन हो कुछ भी, उसको फिनिश किया करो. तो इसका बहुत अच्छा ट्रेनिंग क्या है, आप जब सुबह उठते हैं, रात को सोना ये भी आपका एक काम है. जब आप रात को सोते हैं सुबह उठते हैं तो आपकी जो बेडशीट है, आपका जो पिलो है, इसको फोल्ड करके आप अच्छे से रखें. बचपन से हमारे पेरेंट्स हमारे इसके पीछे काफी लगे थे. इसका इसके पीछे एक बहुत बड़ा लाइफ का लेसन था. व्हेन यू फोल्ड योर बेडशीट एंड व्हेन यू कीप योर पिलोज एंड एवरीथिंग वेल, यू फिनिश दैट टास्क. एंड यू फिनिश दैट टास्क एज द फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग. आपके माइंड को आप ऑर्डर दे रहे हैं, आई फिनिश एवरीथिंग आई स्टार्ट. And when you do that, you don't know how you are working on your willpower. और जब इस चीज की आपको आदत लग जाती है, अब हर काम, खाना खाने के बाद आपने प्लेट उठाकर रख दी, अगर आपकी मेड नहीं है आपने साफ करके रख दी, और उसके बाद आपने जगह पर रख दी, you have finished that task. आप किसी टॉपिक पर बात कर रहे हैं, you are finishing that topic by properly giving an end to it. आप उसके बाद वो बात शुरू करने के बाद और किसी दूसरे टॉपिक पर नहीं जाते. So this is called as finish what you start. और इसी छोटे छोटे जो रिचुअल्स हैं हमारे लाइफ के, इससे हमारा विल पावर स्ट्रांग होता है. जब इच्छा शक्ति मजबूत होती है तो इससे पहले जो बोले हुए 9 पॉइंट्स जो है वो अपने आप हमारे लाइफ में अवतरित होते हैं. क्योंकि जब इच्छा शक्ति मजबूत होती है तो हर काम में मजा आने लगता है. फिर सेल्फ डिसिप्लिन आती है, यू स्टार्ट वर्किंग एक्सीलेंटली, फिर आपको खुद को एक काम में सक्सेस मिल गया तो यू नो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, यस आई कैन डू इट. And then when you use your skills of writing, goal setting, तो consistency लाना कोई बड़ी बात नहीं. और फिर company, like attracts like, जैसे आप हो, जैसे आपके साथ के लोग हैं वैसे ही आप बनेंगे. And this is the reason why we are associated with each other, because we want to learn something from each other. और फिर mindset, it comes like a cakewalk. Positive thinking comes, it is an outcome of many good things we do the whole day. So this is what I wanted to share with you today. I'm truly thankful to Nilesh for giving me an opportunity. I have enjoyed this session immensely. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. I am grateful. Thank you.
थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच पंडित जी, थैंक यू, रियली रियली थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। ए डॉक्टर पल्लवी की इतने कम समय में आपने पूरे 10 पॉइंट इतने अच्छे से कवर किए, मतलब ये तो क्लियर हो गया कि हम लोगों का समय बचा सकते हैं। ये 10 पॉइंट के लिए हम 2 दिन भी लीड कर सकते थे और 20 मिनट में भी खत्म कर सकते, ये भी क्लियर हो गया। थैंक यू वेरी मच। मैं आप सभी लोगों को रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा दोपहर तक, यू विल गेट द रिकॉर्डिंग नाउ एवरी डे, राइट। थैंक यू वेरी मच, सी यू टुमारो, थैंक यू, बाय, सी यू, बाय, बाय एवरीवन, बाय, बाय, थैंक यू।